यूपी में सपा बसपा के गठबंधन का ऐलान हो गया है। लखनऊ के एक होटल में बसपा सुप्रीमो मायावती, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मायावती शुरू से ही आक्रामक रही। पहली लाइन में ही कहा कि सपा बसपा की यह संयुक्त प्रेस वार्ता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों गुरु चेला की नींद उड़ा देगी। उन्होंने कहा कि आज से 25 साल पहले भी सपा बसपा के एक होने की कोशिशें हुई थीं, जिसका अंत गेस्ट हाउस कांड की घटना के रूप में हुआ, लेकिन देश व समाज के हित को देखते हुए हमने उस घटना को पीछे छोड़ दिया है। मायावती ने कहा कि भाजपा व कांग्रेस की नीतियाँ एक जैसी हैं। कांग्रेस के शासनकाल में घोषित इमरजेंसी थी, जबकि भाजपा के शासनकाल में अघोषित इमरजेंसी है। बेफोर्स घोटाले के कारण कांग्रेस की सरकार चली गई, राफेल के कारण भाजपा की सरकार चली जाएगी। मायावती ने कहा कि भाजपा सपा बसपा गठबंधन से बुरी तरह डर गई है, इसीलिए अखिलेश यादव के पीछे सीबीआई लगा दी है, लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि ऐसी किसी भी कोशिश से ये गठबंधन मजबूत ही होगा। बसपा सुप्रीमो ने ऐलान किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में सपा व बसपा 38-38 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस के लिए गठबंधन ना होते हुए भी अमेठी व रायबरेली की सीट छोड़ दी गई, दो सीटें अन्य दलों को दी जाएंगी। आप देखते रहे लखनऊ से दस्तक टीवी की रिपोर्ट।